दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों भारत दौरे पे हैं। देखा जाए तो यह दौरा दोनों देशों के लिए काफी मायने रखता है, खासकर भारत के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इजराइल तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे हैं, इसलिए नेतन्याहू भारत को कृषि में भी आधुनिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे तो नेतन्याहू ने उन्हें खास तौर पर एक गाय के बारे में बताया था, तो मोदी ने इसमें काफी रुचि दिखाई थी। अब जब नेतन्याहू भारत आ चुके हैं तो उनका यह सपना साकार होने वाला है। दोस्तों, यह ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्यूटर काउ है। इसका नाम सुनकर आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि यह कोई मशीन है या सच में कोई काउ। दोस्तों, यह कंप्यूटर काउ कोई मशीन नहीं है बल्कि आम गाय है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे पूरी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए पाला जाता है, यानी गाय के खान पान, वेदर कंडीशन, वहाँ का आसपास का वातावरण, सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। खबर के मुताबिक इस महीने के आखिर में हरियाणा के हिसार जिले में सरकार द्वारा शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, इजरायली गाय दूसरे देशों के गाय के मुकाबले कई ज्यादा, लगभग 70 किलो एवरेज दूध देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कंप्यूटर काउ की मदद से भारत की दूध की कमी पूरी हो जाए। आपके इस कंप्यूटर काउ के बारे में क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।